नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, राजनीति में अडानी अंबानी, अंबानी अडानी, ये नाम साथ साथ लिए जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा नाम तब लिए जाते हैं जब राहुल गांधी, जो विपक्ष के नेता हैं, वो देश के सबसे दो बड़े उद्योगपतियों पर हमला करते हैं। लेकिन पिछले 1.5 साल से इस रणनीति में बदलाव आया है। विपक्ष ने अंबानी को छोड़ दिया है और अब हमला सिर्फ अडानी पर किया जा रहा है। और इसके कारण हैं, कारण बहुत गहरे हैं, इसके निहितार्थ बहुत गहरे हैं। पूरी कहानी उद्योगपतियों पर हमला करना, उसके बाद अंबानी को छोड़ना, उन पर सॉफ्ट अप्रोच अपनाना, अडानी पर ज़्यादा तीखा हमला बोलना, और इस बीच शरद पवार, अशोक गहलोत और ममता बनर्जी जैसे राजनीतिज्ञों की भूमिका, इन सबको समझना जरूरी है अगर आपको राजनीति का अर्थशास्त्र समझना होगा। वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, आज मैं ये कहानी क्यों कह रहा हूँ। बंगाल में इन्वेस्टर समिट हुआ, निवेश सम्मेलन, उसमें मुकेश अंबानी मौजूद थे। मुकेश अंबानी ने 20,000 करोड़ रुपये निवेश करने की घोषणा की सिर्फ बंगाल में। इसके अलावा अपने संबोधन के दौरान मुकेश अंबानी ने ममता बनर्जी की खूब प्रशंसा की, उन्हें अग्नि कन्या कहा। कहा ये कि जिस तरह अग्नि में तप कर सोना कुंदन बन जाता है, उसी तरह ममता बनर्जी संघर्षों की अग्नि में तप कर निखर गई हैं। उनके संघर्ष की प्रशंसा की। और इसके साथ ही मुकेश अंबानी ने कहा कि अभी तो रिलायंस ग्रुप 45,000 करोड़ रुपये लगा रहा है बंगाल में, इसके अलावा 20,000 करोड़ रुपए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से लगाएगा। क्या कुछ कहा मुकेश अंबानी ने, पहले वो सुनते हैं, उसके बाद आगे की कहानी। रिस्पेक्टेड ममता दीदी, दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस बिकॉज ऑफ योर विजनरी स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमिंड लीडरशिप, विच इज व्हाई द पीपल ऑफ बंगाल हैव चोजन यू टू लीड देम अगेन एंड अगेन। As the late Sri Atal Bihari Vajpayee described you, you are truly Agni Kanya. The Agni of struggles and sacrifice has made your golden character shine brighter. And now you are making Sonar Bangla shine brighter. For example, the rate of growth of the state's GDP is 11.5%. Much higher than the national average. Your tax revenue has tripled. बात सिर्फ मुकेश अंबानी की नहीं है कि मुकेश अंबानी ने बंगाल में इन्वेस्ट किया। मुकेश अंबानी हो या अडानी, इनका इन्वेस्टमेंट लगभग भारत के सभी राज्यों में है, इरिस्पेक्टिव कि कौन वहां सरकार में है। विपक्ष शासित राज्यों में भी इनका इन्वेस्टमेंट है। अभी आपने सुना हो कि पिछले ही साल अशोक गहलोत के राजस्थान में सोलर पावर प्लांट लगाया था अडानी ने। भूपेश बघेल के राज्य में अडानी का इन्वेस्टमेंट है। सब और इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को नाराज नहीं करता, वो चाहता है कि सबके साथ रिश्ते बेहतर रहें। लेकिन कुछ वजहें ऐसी होती है जिसकी वजह से ठन जाती है। ताजा खबर यह है कि अडानी को एक पोर्ट का निर्माण करने की अनुमति दी थी ममता बनर्जी की सरकार ने। नाम था ताजपुर पोर्ट। उसमें 25,000 करोड़ रुपए अडानी को इन्वेस्ट करने थे। पिछले 24 घंटे के अंदर एक खबर आई कि अडानी से उस पोर्ट का काम छीन लिया गया है। यानी ममता बनर्जी ने घोषणा की कि दोबारा टेंडर भरे जाएंगे, दोबारा कोई भी आकर बोली लगा सकता है। क्या अडानी को ये 25,000 करोड़ का नुकसान महुआ मोइत्रा प्रकरण की वजह से लगा? जिस तरह अडानी मुद्दे पर बोलने की वजह से इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि चूंकि महुआ मोइत्रा, जो कि टीएमसी की सांसद हैं, उन्होंने अडानी पर कुछ ज़्यादा ही हमलावर रुख अपनाया था, इस कारण वो विवाद हुआ, एथिक्स कमेटी के पास उनका मामला गया, अब सदस्यता पर खतरा है। क्या बदले के रूप में ममता बनर्जी ने अडानी से ये पोर्ट छीना? जवाब नहीं पता, लेकिन हाँ, अडानी का 25,000 करोड़ का वो प्रोजेक्ट वहाँ से छीन चुका है। दूसरी ओर अडानी वहां से बाहर हुए, अंबानी की एंट्री हुई। कांग्रेस हो या विपक्ष शासित रणनीतिकार, एक मंथन चल रहा था पिछले 1.5 साल से कि हमें अंबानी अडानी सहित सभी भारतीय व्यापारियों के ऊपर हमलावर नहीं होना है।
आप एक पर हमला करो दूसरे को छोड़ दो, क्योंकि पूरा का पूरा कॉरपोरेट जगत अगर इंडिया गठबंधन से, डॉट वाल इंडिया की मैं बात करूं, नाराज हो गया तो बाद में परेशानी होगी काम करने में, क्योंकि निवेश की जरूरत हर सरकार को होती है, कोई कुछ भी कहे। और इसीलिए अब इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता अंबानी पर कोई कुछ नहीं बोलता, साल डेढ़ साल पहले बोलते थे, अब नहीं बोलते, अब सिर्फ और सिर्फ टारगेट में अडानी। सीबीआई, मैं पहले सोचता था नंबर वन प्राइम मिनिस्टर, नंबर टू अडानी, नंबर थ्री अमित शाह, एक्चुअली ये गलत है। नंबर वन अडानी, नंबर टू प्राइम मिनिस्टर, नंबर थ्री अमित शाह। अब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हमें समझ आ गई है। यहीं से शुरू होता है एक और प्रकरण कि क्या जानबूझकर या पॉलिटिकल गेन के लिए अडानी को इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर सही में कोई वजह है। इसका जवाब है शरद पवार की एक किताब। शरद पवार ने अपनी आत्मकथा लिखी है और उस आत्मकथा में शरद पवार ने अडानी का जिक्र किया। उन्होंने बहुत प्रशंसा की अडानी की, कहा शरद पवार ने अपनी किताब में लिखा है कि अडानी मेहनती थे, सरल हैं और जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं। उन्हें थर्मल पावर के बिजनेस में आने के लिए मैंने ही प्रेरित किया और उसके बाद वो सफल हुए। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के ही नेता शरद पवार ने पिछले एक साल में दो बार मुलाकात की है। 7 महीने पहले लोकसभा में विपक्ष लगातार जेपीसी की मांग कर रहा था, जेपीईसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग कर रहा था, और ये मांग थी हिंडनबर्ग प्रकरण में जो अडानी पर आरोप लगे थे उसे लेकर। तब शरद पवार ने मुलाकात की थी अडानी से और शरद पवार ने बयान दिया था। शरद पवार ने यह कहा था कि मैं कई जेपीसी का सदस्य रह चुका हूं, अध्यक्ष रह चुका हूं, जेपीसी से कोई फायदा नहीं होने वाला। उन्होंने ये भी कहा था कि वैसे भी हिंडनबर्ग विदेशी हैं, किसी विदेशी की कही बात पर हम अपने देश के उद्योगपति पर आरोप क्यों लगाएं। उसके बाद विपक्ष की जेपीसी की मांग फुस हो गई। अब आता है इसी साल सितंबर 2023, गुजरात के वासबा में एक फैक्ट्री लगा रहे थे अडानी। शरद पवार न सिर्फ वहां गए, उन्होंने फैक्ट्री का उद्घाटन किया बल्कि अडानी के घर भी गए और करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। उस दौरान भी शरद पवार ने यह कहा कि अडानी पर हमला करना उचित नहीं है, राजनीतिक कारणों से इस तरह अपने देश के कारोबारियों पर हमले नहीं करने चाहिए, तो शरद पवार का स्टैंड हो गया। अशोक गहलोत से पूछा गया था कि एक और राहुल गांधी आप हमला कर रहे हैं लगातार अडानी पर और आप अपने यहाँ जो सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है उसको बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट अडानी को दे रहे हैं, इस पर अशोक गहलोत ने टिप्पणी से इनकार कर दिया था। यही हाल भूपेश बघेल का था। भूपेश बघेल ने कोई हंस डिहा या हंस देव अरण्य का कोई जंगल था जहां अडानी की कंपनी को खनन करना था, आदिवासियों ने विरोध किया। भूपेश बघेल की पुलिस ने आदिवासियों पर न सिर्फ लाठीचार्ज किया बल्कि उन्हें नक्सली तक बताया। उसके अलावा कोई भी विपक्ष का ऐसा राज्य नहीं है जहां अडानी ने निवेश न किया। तो राजनीति एक ओर, कारोबारियों को बांटने की नीति एक ओर, अडानी वर्सेज अंबानी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश में हर कोई चाहता है कि इस देश का जो भी बड़ा कारोबारी हो, उद्योगपति हो, उसका गरीबी हो। क्योंकि जब भी विपक्ष में रहकर हमला करना एक और बात है, जब आप सरकार में आएंगे तो आपको इन्हीं कारोबारियों से, इन्हीं उद्योगपतियों से काम लेना है। तो क्या राहुल गांधी और अशोक गहलोत के विचार इस पर नहीं मिलते? क्या शरद पवार और राहुल गांधी के विचार नहीं मिलते? क्या ममता बनर्जी ने जिस तरह इन्वेस्टमेंट कराया बंगाल में, उनका और राहुल गांधी के विचार नहीं मिलते? फिर राहुल गांधी के विचार मिलते किससे? सिर्फ सीताराम येचुरी और महुआ मोइत्रा से? सवाल बड़ा है, जवाब आप सब दीजिए कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।